नमस्कार Yalsar.com में आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 165। आज हमारे साथ हैं श्रीमान बनवारी जी शास्त्री, जो कि सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। गुरु जी, साक्षात्कार के लिए पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो शुरुआत करते हैं पहले परिवार से, बताना चाहें परिवार में। मैं कुमावत कुल में घोड़ेला गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ जी। मेरे दादाजी बहुत ही विख्यात शिल्पी थे जी। वे मुंगेर में काम करते थे। मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार में, अच्छा। उनके साथ एक बहुत बड़ी घटना है जो मैं बताना चाहूंगा। जरूर। वे प्रायः 2 साल से अपने घर आते थे। एक बार वो घर पर आए तो उनके सिर पर चांदी के रुपयों की गठरी थी, बहुत बड़ी जी जी। अपने लक्ष्मणगढ़ के बाहर तब जो जोड़ा है तोदी कॉलेज का, इस तोदी कॉलेज में बलजी भूरजी नामक जो डाकू थे, काफी सुना है, वो ठहरे हुए थे जी। और मेरे दादाजी को प्यास लगी, वो जोड़े में पानी पीने के लिए घुसे तो उन्होंने बलजी भूरजी को देखा और तुरंत वो बाहर की तरफ निकलने लगे। तो बलजी भूरजी ने कड़क आवाज में उनको डांट कर बुलाया, कौन हो, इधर आओ। तो गिड़गिड़ाने लगे, नहीं महाराज, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तुम कौन हो बताओ। तो इन हिम्मत नहीं मेरे दादाजी की जी जी। पास गए, बताया मैं तो ऐसे मुंगेर से 2 साल से मेरे बच्चों के से मिलने आया हूँ। तो उन्होंने कहा, बैठ जा और ये दाल बाटी खा। अब उनके सामने मना करने की क्या हिम्मत, पर उन झूठ मूठ में थोड़ा खाया जी जी। तो महाराज जाने दो। उन्होंने कहा, देख तू 2 साल से तेरे बीवी बच्चों का मुंह नहीं देख पाया, अभी आया है। तो हम ऐसे नहीं है जो गरीबों को लूटते हैं, हम तो पैसे वालों को लूटते हैं जो गरीबों का शोषण करते हैं। अच्छा। उन्होंने अपने ऊंट सवार को कहा कि जाओ इसको अपने घर छोड़ा। इस प्रकार के बलजी भूरजी का एक उत्तम व्यवहार मेरे दादाजी के साथ हुआ। मेरे दादाजी बहुत पैसे वाले थे, किंतु कालांतर में मेरी दादी सन्यासिनी हो गई और उन्होंने सारा पैसा सत्संग तीर्थ अच्छा? यात्रा में लुटा एक दिया। एक मिनट, पहले शुरू करते हैं, आपको कितनी पीढ़ियां याद है वो बताएं पहले तो। हाँ, मुझे और ज्यादा पीढ़ी याद नहीं मेरे दादाजी। दादाजी का नाम बताया आपने? श्री बक्सी राम जी। दादी जी का? श्रीमती शांति देवी, वो ब्रह्म निर्वाण आश्रम, यहाँ एक ब्रह्मानंद जी महाराज आए थे जी जी। उनकी शिष्या बनी और सन्यासिनी हो गई मेरे दादाजी के देहांत के बाद। अच्छा, अच्छा, बाद और उन्होंने तीर्थ यात्रा में सारा पैसा लुटा दिया जी जी जी। मेरे पिताजी भी संत थे, श्री चुन्नी लाल जी घोड़ेला जी जी। वे भी बहुत अच्छे, माता जी का श्रीमती जया देवी। मेरी माता जी भी बहुत भक्तिमती थी जी जी। मेरा ननियाल भी यहाँ लक्ष्मणगढ़ में ही है। तो जन्म से ही, छोटी सी उम्र से मेरी माँ ने रघुनाथ जी के दर्शन शुरू किए अपनी माँ के साथ जी जी। और मरते दम तक उन रघुनाथ जी का दर्शन उसने नहीं छोड़ा जी जी जी। हर व्रत सारा करती थी माँ, बहुत भक्तिमती थी। मेरे पिताजी भी कर्मयोगी थे जी जी। वो पूरी रात अकेले भजन गा सकते थे, इतने भजन उनको याद थे जी जी। वे वेदांत शास्त्र को मानने वाले, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। किंतु यद्यपि वो विद्यालय शिक्षा उनकी 4 कक्षा तक थी जी जी। फिर भी वो गीता पढ़ते थे। मैंने एक दिन उनको पूछा, आप रोज गीता पढ़ते हो, आप बोर नहीं होते क्या? तो उन्होंने कहा, मैं जितनी बार इस गीता के श्लोक को पढ़ता हूँ किसी को भी, तो मुझे वो नित्य नया लगता, मुझे उसकी कुछ नई गहराई समझ में आती है। अच्छा, अच्छा। इस प्रकार के मेरे पिताजी बहुत ही ज्ञानी और कर्मयोगी थे, धार्मिक थे, और उनका सारा संस्कार मेरे माता पिता का मेरे अंदर भी मुझे दिखाई देता है। तो बहन भाई कितने आप? हम 4 भाई और 2 बहन है। मेरे से 2 बड़े भाई है, 1 बड़ी बहन है, 2 छोटे भाई हैं, 1 छोटी बहन जी। मैं बीच का हूँ। और आपका ससुराल कौन सी जगह है? यहाँ से पास में उदयपुर वाटी पड़ता है, पर मेरे ससुराल वाले सारे बम्बई में, गोरेगांव में। धर्मपत्नी जी क्या नाम है? श्रीमती लक्ष्मी देवी। और संतान कितने हैं? मेरे संतान 1 बालक लड़का है और 3 लड़कियां हैं जी जी। तो एक लड़की को सूरत ब्याही हुई है, दूसरी सपना ठीक, दूसरी भावना है, भावना हाँ, जो यहाँ इस विद्यालय में हमारे प्रिंसिपल है जी जी। जिसका मुझे बहुत बड़ा संबल है मेरे विद्यालय के काम में। एक लड़का गुंजन कुमार है, रेडीमेड कपड़े की दुकान करता जी है जी। वो भी विद्यालय में व्यवस्था में सहयोग करता है और
मेरे पुत्र की तरह वो भी बहुत सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाला, इस समय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का महामंत्री लक्ष्मणगढ़ का है वो, और सामाजिक कार्यों में भाग लेता है। तो अपने कार्य क्षेत्र में बताएं कुछ। मैंने बचपन में बहुत कष्ट झेले, मेरे माता पिता कर्मयोगी थे, भक्त थे, किंतु पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं थे। आय के साधन बहुत सीमित थे, मेरे पिताजी इतना ही कमाते थे, बीमार भी रहते थे जी। तो मैंने बचपन में कर्जा बहुत देखा है। अच्छा, अच्छा, उसके कारण मैं खुद समझता था कि मेरे माता पिता के पास नहीं है तो मैं उनसे क्यों मांगू। इसलिए मैंने अभावों में, यहाँ तक कि चप्पल में नहीं पहनता था, एक जोड़ी कपड़े के अंदर में मेरा गुजारा करता था। फट जाता था तो सिल सिल कर हाथ से मैं काम निकाल लेता था जी। इस प्रकार बहुत अभावों में मैंने जिंदगी जी। स्वावलंबन भी सिखाया आपको इस चीज़ ने। इसके कारण मैं स्वावलंबन और अपने आप को इच्छाओं को बस में करना भी सिखाया। एक वाक्य है, कहीं से मेरे जेब में माता ने कोई सामान लाने के रुपए दिए होंगे, उसमें से एक रुपया बच गया होगा और मैं भूल भी गया। कई महीनों बाद वो जेब में हाथ डाला तो वो रुपया मुझे मिला, कई धुलाई के बाद भी वो सुरक्षित बचा। मैंने पूरे मार्केट में चक्कर लगाया, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, अंत में मैं रुपये की खा कुछ नहीं सका, वो रुपया लाकर माँ को दे दिया, कभी काम आए तो काम में लेना। इस प्रकार मैंने अपने इंद्रियों को जीतना सीखा उन अभावों के कारण। मैंने कभी कष्ट अनुभव नहीं किया कि मेरे माता पिता के पास कुछ नहीं है तो मैं कैसे परिवार में जन्माऊं। मैंने खुशी खुशी और अपने आप को शिक्षा के बारे में बताना चाहें। हाँ, मेरा लक्ष्य ये रहा कि मेरा जन्म, मुझे अनुभव होता था कि मेरा जन्म कुछ नया करने के लिए, कुछ बड़ी चीज करने के लिए हुआ है। तो कक्षा दसवीं की जब मैंने परीक्षा दी तो लक्ष्मणगढ़ में मेरा पहला स्थान आया जी। किंतु मेरे माता पिता ने मुझे मकान कार्य सिखाने के लिए मेरे चाचा जी के पास बॉम्बे भेज दिया पैतृक व्यवसाय के लिए। मेरे मार्गदर्शक श्री राजकुमार जी खीरवे वाला, जो लक्ष्मणगढ़ संघ के कार्यकर्ता थे, वो घर पर आए, कई दिनों में नहीं मिला तो रिजल्ट के बाद। और जब उनको पता लगा कि वो तो पैतृक काम में लग गए हैं पढ़ाई छोड़ करके, तो उन्होंने माँ बाप को समझाया भी और उन्होंने खुद पत्र लिख करके मुझे बुलाया। और उस समय ऋषिकुल विद्यापीठ के प्राचार्य श्री नंद कुमार जी शास्त्री थे जी। वे संघ के नगर संघ चालक थे, मैं भी सुयोग से संघ का स्वयंसेवक हो गया था जी। इसलिए उन्होंने मुझे, जिसमें पैसे की जरूरत नहीं पड़े, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप संस्कृत पढ़ो। तो उनकी प्रेरणा से मैंने संस्कृत पढ़ना प्रारंभ किया बिना खर्चे के। वही वो हॉस्टल में रखते थे, वही किताबें फ्री देते थे जी जी। और उनकी प्रेरणा से मैंने पढ़ना शुरू किया। राजकुमार जी का मुझे प्रोत्साहन मिला, राष्ट्रीय विचारधारा का ज्ञान मिला, राष्ट्र क्या है, देश क्या है, धर्म क्या है, इन सारी समझ के बाद में मैंने ये तय किया कि या तो मैं जिंदगी में सन्यासी बनूंगा, पहली मेरी इच्छा ये रही कि मैं सन्यासी बनूंगा, और दूसरी ये है कि मैं अध्यापक बनूंगा। तो ऐसा करते हुए मैंने पढ़ाई पूरी की, मैंने शास्त्री की। यहाँ लक्ष्मणगढ़ में सुविधा नहीं हुई तो बीकानेर में गया, संघ के सहयोग से मैं बीकानेर में पढ़ा और पूरे राजस्थान में मुझे प्रथम स्थान शास्त्री में प्राप्त हुआ। जबकि मैं तृतीय वर्ष में शास्त्री तृतीय वर्ष की कक्षा में स्वयं पाठी रहा, क्योंकि उस समय आपातकाल लग गया था और मैं संघ का बड़ा कार्यकर्ता था तो मेरे विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट आ गए। तो मैं बीकानेर छोड़ करके जयपुर जाकर अंडरग्राउंड रह करके मैंने शास्त्री की पढ़ाई पूरी की और फिर भी राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सन्यासी वाला क्या चक्कर है? हाँ, फिर मैंने प्राइवेट शास्त्री करने के बाद आपातकाल में अंडरग्राउंड रखते हुए मैंने पढ़ाई की, दूसरे विद्यालयों में पढ़ाया और शिक्षा शास्त्री की भी परीक्षा पर पास की। उसके बाद आपातकाल हटते ही मैं संघ का प्रचारक यानी सन्यासी, घरवार छोड़ करके मैंने घरवालों को कह दिया मैं शादी नहीं करूंगा और मैं पूर्ण समर्पित होकर संघ के काम के लिए लग गया। फागी, चाकसू, सांगानेर, दूधू, शाहपुरा, कितने साल? इन तहसीलों में मैं 7 वर्षों तक घर छोड़कर प्रचारक रहा। फिर कैसे मनाया घरवालों ने गृहस्थी जीवन? मेरे पिताजी बीमार हो गए थे और दमोह के पास बांदकपुर मध्य प्रदेश में वो रहते थे, 3 साल से घर नहीं आए और समाचार ये करते थे मैं यही मरूंगा, क्योंकि उनका अन्न बंद हो गया था, वे केवल दूध पर जीवित थे और वहीं अपना मंदिर में काम करते थे, मंदिर के अच्छे शिल्पी थे जी।
तो मैं एक दिवाली के ऊपर 3 दिन माँ से मिलने आता था साल में। जब तीसरी साल में मिलने आया तो माँ ने कहा कि तुम्हारे पिता को आए 3 साल हो गए और वो कह रहे हैं मैं यहीं मरूंगा, घर पर नहीं आऊंगा, तुम हो तो जाकर लेकर आओ। तो मैं माँ के कहने से संघ वालों से इजाजत लेकर के मेरे पिताजी को लेने के लिए गया। पिताजी ने पहले तो टालम टोल की चलूंगा चलूंगा, फिर एक दिन उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या मतलब, तुम तो सन्यासी हो, तुम तो सन्यासी हो, तुम अगर कमा कर खिलाओ मुझे तो मैं घर चल सकता हूँ। तो मैंने मेरे ऐसे पिताजी के प्रस्ताव को मैं नकार नहीं सकता था, क्योंकि मैं देशभक्त था, मातृभक्त था, पितृभक्त था। तो मेरे पिताजी की शर्त के कारण मैंने गृहस्थी बनना स्वीकार किया। फिर आपने सरकारी सेवा में भी आ पाए, तो आपका यही सपना था कि नहीं? सरकारी सेवा के पहले जब मैं गृहस्थी बना जी, तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं काम करूंगा तो संघ के लिए करूंगा। इसलिए मैंने प्रचारक रहते हुए भी शिक्षा क्षेत्र में रुचि होने के कारण चाकसू, फागी और सांगानेर 3 तहसील केंद्रों पर 3 आदर्श विद्या मंदिर खोले और लक्ष्मणगढ़ में भी आकर मैंने आजीविका का साधन के रूप में और संघ की सेवा के रूप में आदर्श विद्या मंदिर की 1983 में स्थापना की। और मैं उस समय चूरू, झुंझुनू, सीकर तीनों जिलों का प्रभारी था। तीनों जिलों में मेरी देखरेख में ही फतेहपुर, रामगढ़, बिसाऊ, चूरू, झुंझुनू, पलसाना, सीकर, ये सारे आदर्श विद्या मंदिर, यहाँ तक कि भादरा, सुजानगढ़, नौर, यहाँ भी मेरे मार्गदर्शन में ही आदर्श विद्या मंदिर स्थापित हुए। किंतु बाद में कुछ हट्टे अनुभव आए, व्यापारिक दृष्टि के लोग मेरी कार्यकारिणी में आ गए, हालांकि लिया मैंने ही उनको। हाँ। तो उनके साथ मुझे लगा कि मेरे सपने बने, जीवन का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो मेरे दोस्त गिरधारी लाल माली के सलाह पर और उसी के प्रयास पर मैंने सरकारी सेवा में जाना स्वीकार किया। पहली नियुक्ति 1986 जून में, पहले 3rd ग्रेड में हुई। मैं रामगढ़ के पास गया और उसके बाद 2nd ग्रेड में जुलाई में मैं जाजोद से बगड़ी, बोझासर और पलसाना, लक्ष्मणगढ़, गाड़ोदा इत्यादि स्थान पर। रिटायरमेंट कौन से साल में कब हुआ? मैंने 2015 में मैं रिटायर हुआ। उस समय मेरे पास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुतोद का प्रिंसिपल का भी चार्ज था और एक संस्कृत व्याख्याता के पद से मैं रिटायर हुआ। तो आपने सब संस्कृत से जुड़े हुए हैं, संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया? मैंने अनुभव किया कि जिस विषय को पढ़ करके मैंने भारत को समझा, भारत की धर्म को समझा, भारत की संस्कृति को समझा, उस भाषा का प्रचार करना चाहिए। हालांकि मुझे बहुत कटु अनुभव भी आए, ब्राह्मणों की भाषा समझी जाती थी, किंतु मैंने उन सब को अलग हट करके मैंने आम आदमी को संस्कृत सिखाने का प्रयास किया। और इस क्षेत्र में संघ की संस्था संस्कृत भारती जो प्रयासरत थी, उसके साथ में जुड़ करके मैंने संस्कृत वर्ष के अंतर्गत 1000 छात्रों को लक्ष्मणगढ़ तहसील में संस्कृत बोलना सिखाया। और दूसरा, मुझे अनुभव हुआ कि शेखावाटी क्षेत्र में संस्कृत कवि अब नहीं रहे हैं, इसलिए मैंने खुद 1 वर्ष तक पागल की तरह रह करके संस्कृत कविता बनाना सीखा। और आज मेरी 10 कविताएं, एक तो श्री गुरुजी दर्शनम महाकाव्यम, महाकाव्य है, आरएसएस के श्री गुरुजी गोलवलकर जी के जीवन पर, एक दुर्गा सप्तशती की तरह करणी माता के जीवन पर करणी सप्तशती है, एक अपने कुमारों की कुल देवी श्री यादे माता पर भी श्री यादे माता पुराण है, श्री यादे पुराण है, दुर्गा पूजा विधान है, मेहंदीपुर बालाजी के ऊपर भी शतक है, और एक मेरे जीवन में इर्द गिर्द घटित या अपने शेखावाटी क्षेत्र की जो सत्य महापुरुषों की घटनाएं हैं उनको लेकर के मैंने प्रेरक प्रसंग प्रसूनांजलि नामक एक कहानियों की पुस्तक भी लिखी है। और एक नीति शतकम में 150 नीति परक श्लोक भी मैंने लिखे हैं। इस प्रकार मेरी 10 रचनाएं संस्कृत में हैं। बहुत ही कार्य किया है। आप ये बताएंगे, आपने सेवानिवृत्ति के बाद में ये विद्यालय खोला है, ठीक है, तो और कुछ कार्य किया कि विद्यालय में कोई नवाचार कुछ लाना चाहेंगे आप? मेरा एक लक्ष्य था कि सेवानिवृत्ति के भी बाद में मैं आदर्श विद्या मंदिर से जो मेरा लगाया हुआ पोता था उसको मैं संभालूंगा, किंतु बड़े दुख की बात है और मुझे कहना पड़ रहा है एक कटु सत्य कि आरएसएस में भी जातिवादी लोगों का प्रभाव हो गया और उन्होंने मेरे जैसे कुमावत व्यक्ति को आदर्श विद्या मंदिर में रखना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ।
इसलिए निराश होकर के मुझे, मैं घर पर बैठने वाला नहीं था, प्राइवेट विद्यालयों में मैंने काम किया, एसआर में भी मैंने व्याख्याता के रूप में काम किया, बिना स्कूल में वाइस प्रिंसिपल का काम किया, किंतु वहां भी मुझे लगा कि जिनको शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण नहीं है वो अपने आप को डायरेक्टर प्रिंसिपल समझने वाले और मुझे गाइड कर रहे हैं, तो मेरा सामंजस्य नहीं हुआ। मैंने मेरे बेटे बेटियों को कहा कि मेरा अपमान क्यों कराते हो, मेरे ज्ञान की कीमत नहीं है, जहाँ पर मैं वहाँ क्यों पढ़ाऊँ। तो इसलिए मैं मेरे सपनों को, जो मैंने अनुभव किया शिक्षा के रूप में, उनको मूर्त रूप देने के लिए ये हाँ संस्कार शिक्षण संस्थान मैंने शुरू किया। अब छोटी सी दो लाइन की बातें हो जाए, क्योंकि समय ये बताएं कि आप, एक तो आप जनेऊ का संस्कार मैंने पूछा था आपसे, आपने कहा ब्राह्मण लोग नोटिंग करते हैं, कुछ नहीं सीधी से जनेऊ का प्रक्रिया मैं करवा दूंगा, एक जो है कि आपने शास्त्री नाम भी रखा है, ठीक है, तो ये जो जातिवाद को तोड़ने वाली सी बात है, कहीं विरोध का सामना नहीं करना पड़ा आपको? हाँ, बहुत सामना करना पड़ा। पहला तो अनुभव यही हुआ कि श्री नंद कुमार जी शास्त्री जी ने मुझे वहाँ छात्रावास में रख लिया, संस्कृत पढ़ाने लग गए, तो वहां पर ब्राह्मणों को अंदर चौके के अंदर बिठाया जाता था और मुझे चौके के बाहर, क्योंकि वहां के अन्य अध्यापकों ने, ब्राह्मणों ने विरोध किया। और उसके बाद भी मैं इतना बड़ा विद्वान हुआ, ये मेरे मुंह से कहते हुए शोभा तो नहीं देती है, किंतु यहाँ के ब्राह्मणों को जिनको कुछ भी नहीं आता है वो उनको ये ईर्ष्या हो गई, ये एक चेजारा कैसे ब्राह्मणों का वर्चस्व, ये मुझे बहुत कटु अनुभव हुआ है। और इसके कारण जो मुझे सम्मान और स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। एक इसमें एक घटना और जुड़ी हुई है कि राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा विद्वानों का सम्मान किया जाता है, उस कमेटी के द्वारा जब नाम विचार किया जाने लगा तो मेरे संस्कृत के लिए किए गए प्रयासों को देखते हुए सीकर के एक सारस्वत जी हुए हैं, उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया। तो कमेटी के अन्य लोगों को लगा कि ये ब्राह्मण नहीं है, इसको ये सम्मान नहीं दिया ना, केवल ब्राह्मण ने इस नाम पर इसको सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। किंतु सारस्वत जी अड़ गए कि काम तो ये करता और सम्मान दूसरे को मिलेगा, तो मेरे काम की देखते हुए सारस्वत जी ने और रेवासा राघवाचार्य पीठाधीश्वर जी ने मेरा नाम मंजूर कराया और मुझे राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा राज्य स्तरीय श्रेष्ठ संस्कृत शिक्षक का पुरस्कार 2007 में दिया गया, जो कि 2012 में सम्मेलन हुआ, उसमें श्री अशोक गहलोत जी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री ब्रिज किशोर जी शर्मा ने अपने हाथों से मुझे जयपुर के रविंद्र रंगमंच पर प्रदान किया। मेहनत का रंग फल है। अपने जो है मानने वाले हैं, जो आपके चेले हैं, शिष्य हैं, जो आपके सहपाठी हैं, जो भी हैं, दोस्त हैं, उनके लिए कोई संदेश छोटा सा? मेरा संदेश यही है कि किसी भी परिस्थिति में काम करें, देश समाज का ध्यान रखें और अपने पारिवारिक जीवन से समय निकालकर अपने धर्म, संस्कृति, समाज के उत्थान के लिए भी काम करें। हाँ, मैं गायत्री परिवार से जुड़ा और गायत्री परिवार से जुड़कर मैंने बहुत लोगों में आस्था जगाई, आस्था संकट है उसको दूर किया, गायत्री साधना सिखाई, बहुत लोगों को जनेऊ दिलाया, यज्ञ कराया तो, और सामाजिक सेवा का बहुत काम किया। और ये भी विद्यालय में, इसमें मुझे एक पैसा की कमाई नहीं हो रही है, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो भी मुझे संतोष ये है कि मैं बच्चों को शिक्षा दान दे रहा हूँ और एक नया जो कुछ होना चाहिए आज के युग के अनुसार, जैसे मेरे संस्था का कॉन्सेप्ट है बैगलेस, बच्चा घर से खेलता कूदता आए और वैसे ही हंसता हंसता अपने घर जाए, फ्री पढ़ाई का कोई उनके घर पर ना टेंशन नहीं रहे। ठीक है शास्त्री जी, आपने समय निकाला और उम्मीद कर आपने जो संस्कृत के लिए मेहनत कार्य किया उसका आपको फल मिला है और जो पौध आपने लगाई है वो वटवृक्ष का रूप ले, मैं तो यही कामना है ईश्वर से और उम्मीद करता हूँ कि आप लक्ष्य में सफल रहें और अपने समाज के लिए यूँ योगदान देते रहें। साथ साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।